हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एना में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम स्पिनर को यूज़ कर रहे हैं, और स्पिनर में एक सेफ्टी फीचर होता है कि जैसे हम इसके लिड को ओपन करते हैं तो उसे रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ हो क्या रहा है। यहाँ पर इसका लिड ओपन करने के बाद भी ये रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स, ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है जो कि सेफ्टी फीचर को अवॉइड कर रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें पे पावर सप्लाई निकालना होगा और वॉशिंग मशीन के पीछे चलते हैं। आइए आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन को पीछे से खोल लिया है, इसके कवर को, जो कि लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैसे खोलते हैं। और ये है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम जो कि लिड ओपन करते हुए काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है इसका ब्रेकिंग शू। और जो कि अगर मैं यहाँ पे फोकस कर पाऊँ तो आपको दिखा पाऊँगा, ये इस जगह अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक बार केबल पुल करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हुआ क्या है, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। यहाँ पे जो रीज़न है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो इसका कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे काफ़ी रस्टिंग हो गई है, जिसकी वजह से आके ये कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा है, यहाँ पे अटक टाइप गया है। इसे बिल्कुल साथ चिपकना चाहिए था काफ़ी फोर्स से, जो कि हो नहीं रहा है। और आगे आप एक स्प्रिंग को भी देख पाएंगे जो कि स्प्रिंग एक्शन कर रहा है। तो इसको एक बारी मैं खोलूँगा और देखते हैं क्या निकलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको जो इसका ब्रेकिंग शू था उसे निकाल लिया है। आप देख पाएँ कैसे इसके ग्रूव्स हैं। ये दो ग्रूव्स थे जो कि अंदर आप जगह देख पाएंगे, यहाँ पे लगे हुए थे। इनको बस एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने उठा के इसको इजीली निकाल लिया है। थोड़ा सा आपको इसको भी पुश करना होगा निकालने से पहले, तो आप इजीली इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ फोकस करके, तो ये काफ़ी घिस चुका है, नॉर्मल कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम कर गए करेंगे क्या, हम बस इसको रिप्लेस कर देंगे एक न्यू वन से। मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट से मैंने एक आप किसी भी वॉशिंग मशीन जहाँ पे रिपेयर होती है वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 10-20 मैक्सिमम रुपीज़ का आ जाएगा ये। तो अब इसे बस इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और करूँगा, ये जो इसके मूविंग पार्ट्स हैं, इस पार्ट को छोड़ के ये मूविंग पार्ट्स हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा WD-40 अप्लाई कर दूँगा। या आप, अगर आपके पास WD-40 नहीं है तो आप कोई भी ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं और उसके बाद मैं करके आपको बताता हूँ, चेक करवाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके साथ मैं एक छोटी सी ट्रिक भी शेयर करना चाहूँगा। इनकेस अगर आपको ये मार्केट से नहीं मिलता है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक साइड से थोड़ा पतला है और एक साइड से थोड़ा मोटा है। अभी जैसे ये इंस्टॉल था तो ये पतली वाली साइड से इंस्टॉल था। अगर आपको ये नहीं अवेलेबल हो रहा मार्केट में, तो आप क्या कीजिए, जस्ट इसको उल्टा इंस्टॉल कर दीजिए। उल्टा मैंने आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए पहले ऐसे इंस्टॉल था, ठीक है, और इस साइड से घिस चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूँगा और जो मोटी वाली साइड है उसको यहाँ इंस्टॉल कर दूँगा। तो इससे होगा क्या, आपका ये अच्छे से काम कर जाएगा। कुछ दिन के लिए तो बढ़िया से काम करेगा ये, क्योंकि इस ये साइड घिसी है इसकी, और ये साइड अभी भी काफ़ी हद तक सही है। तो ये इसको उल्टा इंस्टॉल करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। लास्ट में मैं इसको रिप्लेस ही कर दूँगा। तो फॉर बींग अ ट्रिक, आइए इसको करते हैं उल्टा इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स, अगर आप देख पाए, मैंने इसको कर दिया है उल्टा इंस्टॉल और ये हो भी गया है काफ़ी इजीली, कोई खास दिक्कत नहीं आई। बट अब आपको एक चीज़ करनी होगी, आप जैसे जैसे उल्टा इंस्टॉल करेंगे तो ये, अगर देख पाए, मगर मैं आपको दिखा पाऊँगा ध्यान से, तो ये काफ़ी हार्ड है। तो आपको क्या करना होगा, इसको एडजस्ट करना होगा कि ये ज़्यादा हार्ड टच ना हो, फिर तो आपके स्पिनर मोटर घूमेगी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो लीवर्स दे रखे हैं,
इनको एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ, अभी ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहले से ही है, तो मैं इसको यहाँ पे मिनिमम पोजीशन पे कर दूंगा, अब इस वाले पोजीशन पे कर दूंगा। उसके लिए जस्ट आपको इस वायर को खींचना होगा और यहाँ से इसको हुक को निकाल के एक इस पोजीशन पे करना होगा जिस पे ये नॉर्मल पोजीशन में मोटर इजीली रोटेट करे, टच ना हो। अभी फ्रेंड्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कर दिया हमने इसको फिट, और अब आइए करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा स्पिनर अंदर घूम रहा है, और जैसे मैंने इसको ओपन किया स्पिनर लगा दी ब्रेक, तो यहाँ पर स्पिनर घूम नहीं रहा है और टाइमर की आवाज़ आप सुन पाएंगे। और जैसे मैं इसको करूँ नीचे, तो वापस से स्पिनर घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम को घर पे रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।